नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश इस वक्त कोरोना वायरस संकट से गुजर रहा है और लॉकडाउन के कारण कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है। इस संकट के बीच पिछले करीब 10 दिन से हर रोज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। इस मसले पर अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। सोनिया गांधी ने लिखा कि संकट के वक्त में भी आपकी सरकार लगातार दाम बढ़ा रही है और इससे सैकड़ों करोड़ रुपए कमा चुकी है। सोनिया की मांग है कि सरकार तुरंत बढ़े हुए दाम वापस ले। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि सरकार ने लॉकडाउन के बीच पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर करीब 2.6 लाख करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ऐसे वक्त में जब लोग संकट से गुजर रहे हैं, तब इस तरह दाम बढ़ाना उन्हें और संकट में डालना है। ऐसे में सरकार का फर्ज बनता है कि लोगों के संकट को दूर करे। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, जब देश में इतनी नौकरियां जा रही हैं और लोगों को जीने तक का संकट आ रहा है, तब सरकार इस तरह दाम क्यों बढ़ा रही है। आज क्रूड ऑयल का दाम लगातार घट रहा है और सरकार ने पिछले 6 साल में लगातार दाम बढ़ाया ही है। सोनिया गांधी ने लिखा कि सरकार की ओर से पिछले 6 साल में पेट्रोल पर 258% और डीजल पर 820% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिससे करीब 18 लाख करोड़ रुपए कमा लिए हैं। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो तुरंत इन बढ़े हुए दामों को वापस लें और आम लोगों को राहत पहुंचाएं। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आत्मनिर्भर बने, तो उन पर आर्थिक बोझ ना डालें, जिससे कि वो आगे ना बढ़ पाएं। मैं एक बार फिर से आपसे अपील करती हूं कि सरकार के संसाधनों का इस्तेमाल करें और लोगों के खाते में सीधा कैश ट्रांसफ़र करें, ताकि मुश्किल के इस समय लोगों को राहत मिल सके। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से हर रोज़ देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की जा रही है। मंगलवार को भी पेट्रोल में 47 पैसे और डीजल में 75 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इसी के साथ दिल्ली में अब पेट्रोल का दाम 76.73 पैसे और डीजल का दाम 74.62 पैसे हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।